देवियों सज्जनों राम राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज हम सुनेंगे माघ मास के दसवें अध्याय का महत्व, जिसमें वर्णन किया गया है दूत का विकुंडल से गंगा तथा वैष्णव महिमा का। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। यमदूत बोला, हे वैश्वेश्वर, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार ही गंगा जी में स्नान कर शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे वैश्य, बैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से 100 योजन की दूरी पर रहने वाले लोग भी नरक में नहीं जाते। गंगा के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। पापों को भस्मीभूत करने के लिए गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो मनुष्य कीचड़ में फंसी गाय को निकालते हैं, रोगी की रक्षा करते हैं, गौशाला में मरते हैं, वह जिसने दान लेना छोड़ दिया है, वे लोग गगन में तारे बनकर चमकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करते हैं, वह यमलोक को नहीं जाते। उनका भूण हत्या का पाप भी विलीन हो जाता है। तपो, व्रत व अन्य नियमों का पालन करने वाले का, हजारों गौ का दान करने वाले का तथा एक माह तक कुशाग्र द्वारा गंगाजल पान करने वाले का फल 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान देखने वाला तथा मन में भी जो पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरों के धन का लोभ मन में भी नहीं करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला होता है। जो माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह अंतकाल प्राप्त होने पर यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होते हैं। हे वैश्य, स्त्रियों को अपने सील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दुष्ट संगति में पड़कर सील भंग होने से वे यमलोक को जाती हैं। अपने सील की रक्षा करने से ही स्त्रियां निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ते सुनते व सुनाते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्मोपदेश करते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण हैं, वे ही लोग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जो शास्त्रीय ज्ञान से हो लोगों को उपदेश करके बंधन मुक्त करते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ पर देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य पुत्र, अब एक अनोखा रहस्य सुनो। जो धर्मराज से सम्मत और सब लोगों को अमृत तो लाभ कराने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार यही कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मत पकड़ना, वे मेरा दर्शन न करें। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग भूलकर भी एक बार यदि केशव भगवान को याद करते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े पद को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा वैष्णव जिस घर में भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके संसर्ग से वे भी पापों से निर्मुक्त हो जाते हैं। वे मनुष्य यमराज की राजधानी
यमपुर में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान देखा जाता है। वैष्णव चाहे नीच वर्ण का क्यों न हो, वह भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। माता और पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरि भक्त पुत्र उत्पन्न होता है तो उनके नरक में पड़े हुए पितर लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं। वैष्णव भक्त के घर का अन्न भी सर्वोत्तम है। यदि वैष्णव के घर का अन्न न मिले तो जल पीकर ही रहें। गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य यम का दर्शन नहीं करता। हम लोग भी उनको नहीं देखते जो अग्न्यास मुद्रा ऋषि छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का अथवा ओम नमो नारायण नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्या रे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण करके वनमाला से सुशोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में सूर्य में जल में मूर्ति या स्थलित में हरि भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह थी माघ मास की 10वें अध्याय की कथा। जय श्री कृष्ण।